गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आप लोगों ने देखा था लास्ट वाला व्लॉग, हम लोग निकल लिए थे, तो नाते अभी हम लोग आ गए हैं माट की देवी के दर्शन करने। हम लोग जा रहे हैं बरसाने। बरसाने की होली जो है ना, वो वर्ल्ड वाइड फेमस होती है और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, तो आप सबको पता ही होगा। तो बस हम लोग जा रहे हैं, पापा जी हाय, जा रही हूँ मम्मी। तो हम लोग आए हैं माट की देवी के दर्शन करने और मैं सेकेंड टाइम आई हूँ, मैं एक बार और आई थी पहले। सो चलो चलते हैं, इंजॉय करते हैं। हाँ रिकॉर्डिंग। अभी जो यहाँ का माहौल है ना, वो बहुत रंगीन होने वाला है। राधा रानी की शरण में आए हम होली मनाने के लिए। सो मैं इसलिए एक्साइटेड थी, आप लोग भी एक्साइटेड हो जाओगे अभी मेरे ब्लॉग्स देख के। जय हो राधा रानी की। अच्छा, आप में से कोई है क्या जो यहाँ पर होली पे कभी आया है, कभी भी वृंदावन बरसाने? अगर है तो कॉमेंट भी डाउन बिलो फटाफट से। चलो दर्शन करते हैं माता रानी के। तो हम लोग अभी माट के मंदिर आए थे और ये कहा जाता है कि यहाँ पे राधा रानी जो थी ना, वो ठाकुर जी से गुस्सा होके, उनकी लड़ाई हो गई थी किसी वक्त, तो वो गुस्सा होके आ गई थी और फिर यहाँ पे मंदिर बन गया है और इस जगह का नाम है माट, तो इसलिए यहाँ का नाम माट रखा गया है। और मुझे इतना ही पता है, अगर किसी को ज़्यादा पता हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करना, मुझे ना बहुत इंटरेस्ट आता है ऐसी चीज़ों को जानने में। और यहाँ पर है ये पीछे सरोवर, यहाँ पर वो नहाया करती थी। तो अभी आप समझ गए ना आगे वाले ब्लॉग्स कैसे आने वाले हैं। अब बरसाने की अगर होली किसी ने देखी है ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखी है ना, तो आपने मतलब यार, मतलब बहुत एक बहुत ज़रूरी चीज़ लाइफ की एक कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखी और वहाँ पर देखने के बाद ना मुझे ये हो गया कि मुझे तो अब हर साल जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सके तो जाना है, क्योंकि मैं वैसे भी कान्हा जी की बहुत बड़ी वाली भक्त हूँ। और यहाँ की होली पर ना जो आनंद आता है, जिस आप एक अलग धुन में खो जाते हो, वो चीज़ होती है। तो चलो मैं आपको व्लॉग्स में दिखाऊंगी, अगर कोई आया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। और चलते हैं हम आगे किसी मंदिर की तरफ। ये पूरा सरोवर है यार। तो अभी हम आगे चलते हैं किसी और मंदिर में। यहाँ पे बस हम लोगों ने थोड़ा सा छींटे डाल लिए अपने ऊपर और अभी हम लोग निकलने वाले हैं बरसाने के लिए। और आने वाले दो या तीन या चार तीन दिन हम लोग वहीं पर रहने वाले हैं, तो मज़ा आएगा आप लोगों को भी, मुझको भी बहुत सारा मज़ा आने वाला है। चलिए हम चलते हैं बांके बिहारी लाल के मंदिर। और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, अभी यहाँ पे ना पैदल जाना होता है, तो चलो मैं आपको यहाँ का मार्केट दिखाती हूँ एक बार और सब दिखाती हूँ। ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे भी होली के टाइम पे, बहुत रश होने वाला है। आज से ना यहाँ पे भीड़ होना स्टार्ट हो गई है और अभी भीड़ बढ़ने वाली है पूरी। और यहाँ पे मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इतने बंदर होते हैं ना, वो आपके हाथ से मोबाइल चश्मा छीन के ले जाते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा शूट करूँगी, थोड़ा थोड़ा दिखाऊँगी आपको, बट बहुत ज़्यादा नहीं। ये है बांके बिहारी का मंदिर जो वृंदावन का है, और इतनी भीड़ है यार आज, बहुत ज्यादा आप देख सकते हो। आप लोगों ने देखे यहाँ कितना अच्छा खासा है। अभी हम लोग चलते हैं बाहर, निकलते हैं यहाँ से।
हार माला तुलसी अच्छी अच्छी सब चिंतन करने से भगवान हमारे हरी आकर हमारे बाजू है तो भीतर कुछ ऐड के अरे बाजू लगे बाजू बोला अरे अरे बाबा पता नहीं चलते हैं हम राधा वल्लभ जी के मंदिर में, चलिए वहाँ के दर्शन करते हैं, वहाँ का दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। खींच सकते हैं हाँ।
मगन मस्त मगन हमारा टेस्ट दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं और गाड़ी के पास आ गए हैं। अभी हम लोग चलते हैं गोलगप्पे खाने के लिए और यहाँ से कंकर जी में मिलने वाले हैं जो अभी आ रहे हैं ट्रेवल करके और वो यहाँ से हमारे साथ ही जाएंगे। बंदर हैं बहुत सारे। चलो हम गोलगप्पे खाते हैं फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। ये लगा दिया बजने गुलाल। तो
तो अभी चलते हैं कात्यायनी देवी जी के दर्शन करने के लिए। और इससे पहले पता हम एक जगह और दर्शन करने गए थे, बट वहाँ पे मंदिर पट उनके बंद हो चुके थे। और मैं आपको ना अभी बताऊंगी थोड़ी देर में कि वहाँ पे क्या स्पेशल है, किस चीज़ के दर्शन करने गए थे हम। चलो पहले यहाँ के दर्शन इंजॉय करते हैं, फिर वहाँ की बातें करते हैं। अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, बहुत सारे मंदिर में अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। और हम लोगों ने आज पता है बहुत सारे दर्शन किए, बड़ी मुश्किल से इतने सारे दर्शन आपको मिलते हैं। हमने आज 6 जगह का दर्शन किए, माठ की राधा रानी के, बांके बिहारी जी के, और राधा रमण जी के, राधा रमण जी के, बांके बिहारी जी के, माठ की राधा रानी के, और तटिया स्थान के, और अभी कात्यायनी देवी और एक और कहते हैं राधा वल्लभ जी। 6 जगह के आज हमने दर्शन किए, इतना मज़ा आया, एकदम दिल है ना प्रसन्न हो रहा है। और यहाँ पे आपको इतनी भीड़ दिख रही है ना, सारी भीड़ जो है वो मगन हो रही है सिर्फ राधे 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 राधे। तो अभी जो वाइब्स है ना 3 दिन वो इसी टाइप की रहने वाली है। और इससे पहले हम एक मंदिर में गए थे, वो कात्यायनी देवी, तो वहाँ पे पता है क्या है, मैं वहाँ फर्स्ट टाइम गई थी, और अगर कोई गया तो मुझे कॉमेंट करना प्लीज़। वहाँ पे पता है क्या है, सब कुछ वहाँ पे ना आप बिलीव नहीं करोगे, सीमेंटेड, मतलब जो नीचे का फ्लोर है वो सीमेंटेड, पत्थर कुछ नहीं है, सिर्फ रेत है। रेती पे पूरा पत्थर, मतलब पूरा जो पूरा मंदिर है वो सिर्फ रेती पे है। वहाँ पे कहीं पक्का नहीं है, वहाँ पे कहीं भी लाइट नहीं है, सिर्फ कैंडल्स और दिए जलते हैं। तो मतलब वहाँ का जो कल्चर है ना वो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल पुराने ज़माने, मतलब पुराने टाइम का है। वहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, कुछ भी नहीं किया गया मॉडिफिकेशन, जैसे कि कुछ दरवाजे लगा दें, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कुछ डेकोरेशन नहीं है, कोई पेंट नहीं है, कुछ नहीं है। नीचे पूरे में रेत है, और चलिए, और ऊपर पूरे में क्या है, कात्यायनी देवी, नीचे पूरे में रेत है, कहीं भी लाइट्स नहीं है, कुछ नहीं है। तटीय स्थान है वो। अच्छा, ये कात्यायनी देवी, तो वो तटीय स्थान है वहाँ पे पूरे में। आज भी पुराने जमाने की तरह तेल के दीपक जलते हैं, वहाँ पे कहीं पे भी लाइट नहीं है, पूरे मंदिर फर्श नहीं है, कहीं पे भी सिर्फ रेती है उरियापुर में, क्योंकि वहाँ पे पहले जमुना जी जाती थी वहाँ से, बट अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो गई हैं, आगे लग गई हैं। तो उस जगह मंदिर बना हुआ था वो उस टाइम का, और अभी तक उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, कुछ भी नहीं किया गया, बिल्कुल पुराने। हाँ, तो आज हमने 6 जगह का दर्शन किया और आपको भी कराए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं। होली के वीडियोज आने वाले हैं बहुत अच्छे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अभी हमारी यात्रा शुरू होने वाली है कहाँ के लिए, बरसाने के लिए। तो अभी बरसाने के लिए नई वीडियो में स्टार्ट करती हूँ, और इस वाली वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। एंजॉय करना वीडियो को, लाइक जरूर कर देना, बाय।